हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आशुतोष और आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान है जो कोई परिचय के मोहताज नहीं, और उन्होंने अपनी अलग एक पहचान बनाई है और हमने उन्हें अलग अलग तरह से देखा है, उनकी सुरीली आवाज के हम सब दीवाने हैं। वेलकम शान सर, वेलकम टू इंडिया टीवी। आशुतोष ग्लैड टू बी ऑन इंडिया टीवी। मैं देख रहा हूँ कि आप कहीं जा रहे थे, मैंने आपको सफर में रोक लिया है। कहीं कहीं गाड़ी कहाँ जा रही है? सर बस हम IMPL पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, चलिए चलिए, ड्राइव सेफ। आपके ड्राइवर को यस बोल सर, रहा यस सर, यस सर, यस सर। हूँ। आप एक नया शो लेके आ रहे हैं। काफी अलग कंसेप्ट है। हमने मतलब अब तक जितने भी रियलिटी शोज देखे हैं तो वहाँ कंटेस्टेंट्स होते हैं, जजेस होते हैं, बट इस बार टीम होगी, टीम के बीच में कंपटीशन होगा। तो थोड़ा सा बताएंगे किस तरह का है, क्या कुछ होने वाला है इस बार? नहीं, बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि बहुत अलग सा शो है और लोग काफी सालों से जो फॉर्मेट है जहां हम जज बन के बैठते हैं, कोई नए सिंगर्स आते हैं, नई आवाजें आती हैं, उन्हें हम जज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, कभी कभार भला बुरा कह भी देते हैं कि यहाँ आपके सुर नहीं लगे, वहां आपका ताल कच्चा है। तो यहाँ क्या हुआ कि एक ही मंच पर जो पुराने मंजे हुए कलाकार है, जो जिनकी एक्सपीरियंस है, साथ में एक ब्रांड न्यू जो एकदम नए लेकिन बहुत ही टैलेंटेड आवाज है, सब मिलकर एक कंपटीशन भी है, एक सेलिब्रेशन भी है, जहाँ क्योंकि अपना टैगलाइन है म्यूजिक ऊंचा रहे हमारा। तो हर टीम में इस तरह की एक मिक्स है, जहाँ कोई रियलिटी शो का बहुत ही पॉपुलर वॉइस है, दो ऐसी आवाजें हैं जो बॉलीवुड में या बहुत सालों से गा रहे हैं, और एक एकदम नया बंदा है, बंदी है, जो उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर परफॉर्म करेंगे। अलग अलग राउंड्स होंगे, गानों को वो किस तरह से एक अपनी ट्विस्ट देकर, अपनी पहचान देकर उस गानों को पेश करेंगे, उसमें ये पूरा कंपटीशन है और बहुत एक्साइटिंग है इसमें। बिल्कुल, जैसे IPL होता है तो IPL में भी जैसे एक टीम होती है, टीम के मैस्कॉट होता है, टीम के ओनर्स होते हैं, उस तरह से हमारे भी टीम में इस तरह से अपना टीम का नाम है बंगाल टाइगर्स। उसी तरह से छह टीम है, यूपी दबंग है, दिल्ली धुरंधर है, फिर इस तरह से गुजरात रॉकर्स है, मुंबई वॉरियर्स है, और सबकी टीम में ऐसे दो बहुत मंझे हुए कलाकार, एक रियलिटी शो का बहुत पॉपुलर नाम और एक बिल्कुल नया या नई आवाज। तो और हर टीम के बीच में ये स्पर्धा होगी, कंपटीशन होगी और बहुत म्यूजिकल होगा इसमें। शायद वो जो टिपिकल ड्रामे होते हैं वो सब कम होगा, लेकिन म्यूजिकली जोश, एडिनल रश बहुत भारी रहेगा। बिल्कुल ऐसा, जैसे सबने बताया, जो अब तक हमने जितने भी शोज देखे तो मतलब जो जजेस होते थे कोच की तरह या फिर मेंटर की तरह होते हैं, बट इस बार कैप्टन और टीम लीडर्स मतलब साथ में परफॉर्म करेंगे। अब परफॉर्मेंस होगी, लाइक आपके एक कैप्टन है, उनकी टीम तो होगी, बट साथ ही साथ जो सामने, जैसे आपने कहा कि ऑपोजिशन में काफी तगड़े प्लेयर्स कह सकते हैं, यानी जी काफी जी तगड़े जी कॉम्पिटिटर्स होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि अपनी प्रेपरेशन हमें सॉलिड करनी है, और गाना सिर्फ गायकी पर जज नहीं हो रहा है, ओवरऑल उसकी जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल उसकी जो एक नयापन है उसमें क्या है, उस पर होगा। सो ये नहीं कि बस अपने को गाना जैसा है वैसा नोट टू नोट गा ले, उसमें अपनी और क्या तब्दीली हम कर सकते हैं, तो सुनने वाले के लिए भी काफी नयापन होगा, काफी एक्साइटमेंट होगा बिल्कुल सुनने और बिल्कुल, देखने जैसे वाले कि के लिए भी। विजुअली बिल्कुल ऑल्सो यू बिल्कुल हैव टू बिल्कुल मेक इट वेरी एक्साइटिंग। हाँ एग्जैक्टली सर, रियलिटी शोज की बात करें, जैसे आपने बताया कि मतलब ड्रामा की बात करें, तो जैसे कभी जजेस में हमने देखा कि कभी कभी जजेस के बीच में भी थोड़ी सी अनबन हो जाती है, या लाइक एक थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग हो जाता है, या थोड़े से जो चीजें हो जाती है, तो यहाँ जो कॉम्पिटिटर्स है तो कहीं ना कहीं एक गर्मा गर्मी हमें मतलब कभी कैप्टन के बीच में भी कि एक टीम वॉर होगा, तो नहीं, उस मुझे तरह नहीं लग से। रहा कि उस तरह से होगा। वो गर्मा गर्मी तब होती है जब एक कैप्टन दूसरे कैप्टन को जज करे या एक कैप्टन कमेंट करे, यहाँ उस तरह से कुछ नहीं हो रहा है। क्या हम उनके परफॉर्मेंस को देखकर अपने परफॉर्मेंस को और बेटर करना है, तो द कॉम्पिटिशन इज वेरी हेल्दी एंड इट विल ओनली एड मोर एक्साइटमेंट के अगर उन्होंने ये किया है तो उसके सामने हम क्या कर सकते हैं। और फिर फाइनली तो ऑडियंस जनता ही डिसाइड करेगी, तो उन पर छोड़ देना है। तो हम ऑफकोर्स, हाँ ये है कि अपनी थोड़ी सी हाइप करने की कोशिश तो करेंगे कि देखो मेरे बंदे ने कितना अच्छा गाया, वाह वाह क्या सुर लगे, वो सब तो करेंगे थोड़ा सा, लेकिन एक दूसरे को डाउन करना या एक दूसरे के साथ गर्मा गर्मी, मुझे नहीं लगता कि उस तरह का फॉर्मेट है, वो अलाउ नहीं करता ये फॉर्मेट।
जी अच्छा सर, जब हमने भी आपको बहुत सारे शोज में जज करते हुए देखा है, तो काफी बड़े काफी शोज का आप हिस्सा रहे, पर जब ये शो और ये कंसेप्ट आपको ऑफर किया गया तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन कि मतलब ये कुछ नया लेके आए हैं, कैसा कंसेप्ट है, क्या है? नहीं, फर्स्ट रिएक्शन तो यही था कि संगीत में किस तरह का कंपटीशन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैंने बिगर पिक्चर को सोचा कि इस कंपटीशन से कोई छोटा या कोई बड़ा तो नहीं होने वाला, ये नहीं है कि हम में से कोई इस कंपटीशन के बाद जाना जाएगा कि अरे नहीं, ये विनर है, सब हम अपने अपने कामों में लग जाएंगे। लेकिन उसके जरिए जो एक नयापन आएगा, लोग कुछ नया सुनेंगे, कुछ यादगार इस तरह की चीजें हो जाएंगी जो दूसरे फॉर्मेट्स अलाउ नहीं करते, तो और हम भी कुछ साल बाद उसे देख कर कहेंगे वाह, ये भी करके निकले। तो जब उसके बारे में सोचा, द पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्रिएशंस, गाना तो वही है लेकिन उसको आप किस तरह से उसमें शायद एक अलग स्टाइल में उसको पेश करूं, तो काफी क्रिएटिव चैलेंजेस है, क्रिएटिव एक्साइटमेंट है। तो उस वजह से मैंने कहा कि नहीं, कुछ नया है जरूर, और मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कि करना ही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपकी जो टीम है बंगाल टाइगर्स, जिसमें तुमने बताया मैस्कॉट्स एम्बेसडर है गोविंदा जी, आपकी टीम से जुड़े हुए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल, ये तो हमारे पास ट्रंप कार्ड आ गया देखिए, क्योंकि गोविंदा जी जी राइट एंटरटेनर, तो उनके जैसा एंटरटेनर शायद ही कोई है, साथ साथ म्यूजिकल right. है। उनकी उनकी माता जी हम जानते हैं कि बहुत बहुत अच्छी क्लासिकल सिंगर थी, और बहुत अच्छी, मतलब वो गोविंदा जी खुद बहुत अच्छा गा लेते हैं, खुद अच्छा उनको सुर की समझ है। तो उनके एक म्यूजिक शो में एक टीम मैस्कॉट होना हमारे लिए बहुत कमाल की चीज है। और जब भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस वीक लगे तो एक आध ठुमके ऐसे लगा देंगे कि बस पब्लिक तो खुशी हो जाएगी। सो आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड वेरी थ्रिल्ड दैट आई हैव द बेस्ट, आई एग्जैक्टली मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन एल्स, बट गोविंदा राइट राइट जी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ, तो राइट इसी बहाने उनके साथ वक्त भी गुजारने का वक्त मिले टाइम मिलेगा, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ बिल्कुल। आप गोविंदा जी के फैन हैं, हम सब आपके फैन हैं। तो अब जैसे जैसे अब हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे शो आएगा, प्रोमोज आएंगे, सारी चीजें होगी, दर्शक हमेशा की तरह जैसे आपको प्यार मिला है, आपके हर शोज को प्यार मिला है, इसे भी बहुत प्यार मिलेगा। तो लास्टली टू ऑल द फैंस, व्यूअर्स, दर्शक, सभी से आप क्या कहना चाहेंगे? बस सबसे पहले तो सबको हैप्पी न्यू ईयर कह दूं, एक नया साल शुरू हुआ है, और इस साल के सबसे ज्यादा बेसब्री से अगर हम इंतजार कर रहे थे किसी नया साल के लिए, आई थिंक दैट इज 2021, क्योंकि 2020 में जो कुछ भी हुआ हमारे हाथ में तो था नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक बूस्टर शॉट, वैक्सीन के साथ साथ एक बूस्टर शॉट की भी जरूरत है कि एक नए सिरे से, नए जोश से, नई उम्मीद के साथ एक नए साल को शुरू करें। और जो जो चीजें हम पिछले साल हालातों की वजह से नहीं कर पाए, जो जो आ, 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 सीख हमें मिली, सबक हमें मिले कि हमें नेचर, हमें सबको अपने साथ रख के आगे बढ़ना है, उस फीलिंग के साथ, उस पॉजिटिविटी के साथ इस नए साल को हम शुरू कर रहे हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, एंड आई एम श्योर कि आज तक के सारे दर्शक भी उसी एक्साइटमेंट से इस साल को शुरू किए हैं कि हाँ, अब तक मतलब वो जो जो दुविधा मिटी नहीं है, वी स्टिल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड एट द सेम टाइम अलॉन्ग विद दैट वी कांट स्टॉप लिविंग, जीना है एकदम जी भर के जीना है, लेकिन सतर्कता से, और एक साथ सबके हित में जीना है, सबके साथ जीना है, देश के हित में जीना है। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो और आने वाला साल, ये साल हमारे लिए काफी अच्छा हो, ऑब्वियसली बेटर देन द लास्ट वन। थैंक यू सो मच सर, आपने बात की हमसे, बड़ा अच्छा लगा बात करके। वी विश लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।